आज हम लोग न्यू चैप्टर डिफ्रेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐसे टोटली रिलेटेड है लिमिट कॉन्टिन्यूटी से, ठीक है। लिमिट ऑफकोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएबिलिटी, जैसे हम लोग कॉन्टिन्यूटी पढ़े तो वहाँ पे लिमिट का यूज़ तो आ ही रहा था, तो डिफ्रेंशिएबिलिटी में भी लिमिट का यूज़ तो आना ही है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएबिलिटी पढ़ने से पहले लिमिट तो ठीक से पता होना ही चाहिए, है ना। अब हम लोग डिफ्रेंशिएबिलिटी थोड़ा समझते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएबिलिटी। अब देखो, मैं सबसे पहले एक लाइन डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है, एंड देन हम लोग समझेंगे। फंक्शन एफएक्स इज डिफ्रेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए विल एग्जिस्ट। बोला क्या गया है कि ये फंक्शन एफ एक्स जो है डिफरेंट एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो। इसे क्या मतलब, ये कहाँ से आता है, ठीक, इसको हम समझेंगे आगे। बट फिलहाल फॉर अ टाइम बीइंग फंक्शन को अगर डिफरेंशिएबल होना है तो तुम, मैंने क्या, मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, जो लिमिट दिख रहा है अल्टीमेटली लिमिट ही सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को। ये लिमिट जो दिखाई दिया ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल मीन्स ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए, मीन्स एक्स इक्वल टू ए जो पर्टिकुलर पॉइंट है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं नीचे लिख सकता हूँ, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इज नॉट एग्जिस्ट देन फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। मीन्स अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन्स अल्टीमेटली हो क्या रहा है, मेरे को अल्टीमेटली फिर से लिमिट को सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। एफ एक्स फंक्शन गिवन दिया रहेगा, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को पता करना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन में एक्स के जगह पे मैं पुट करूँगा उसे कोई वैल्यू निकलेगा, उसको यहाँ पुट आकर रख दोगे और एक्स माइनस ए करोगे, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को पता करना होगा कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, उसको एक्स में से माइनस कर दोगे और कंप्लीट लिमिट को सॉल्व करोगे, तो जो वैल्यू आएगा अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। आता कहाँ से, हम लोग ज्योमेट्रिक एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसको समझेंगे चीज़ को, ठीक आगे। बट फिलहाल इस लिमिट को सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या होता है इस जगह पे, एक तो मैं छोटा सा एग्जांपल लेके देख सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा एक टर्म होता है, तुम खुद सोचो ये एक तरह से क्या हो गया, लिमिट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरे को एल एच डी मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जैसे हम लोग एल एच एल निकालते थे लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच एल निकालते थे राइट हैंड लिमिट, उसी तरीके से यहाँ पे मेरे को एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। मीन्स एल एच डी निकालना पड़ेगा और आर एच डी निकालना पड़ेगा। अगर एल एच डी और आर एच डी इक्वल होगा तो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होगा, अगर एल एच डी और आर एच डी आपस में इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक सिंगल कंडीशन काफ़ी है, ठीक है, पता करने के लिए कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल उस पर्टिकुलर पॉइंट पे है या नहीं है। जैसे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होता था तो लिमिट एग्जिस्ट करता था, और एल एच एल इक्वल टू आर एच एल नहीं होता था तो फंक्शन सॉरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। और एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ई होता था तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, यहाँ पे एल एच डी और आर एच डी को आपस में इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। अब जो मैं बात बोल रहा हूँ एल एच डी आर एच डी है क्या, ठीक है। अब समझो ये फिलहाल क्या समझ में आया कि जैसे एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। सपोज फाइंड वेदर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू, ठीक है। देन फाइंड
इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, यूजिंग क्या बोला गया, सिंपल सी बात है, फाइंड छोड़ दो, वेदर हटा दो, ठीक है, एफ एक्स इक्वलिटी क्वेश्चन वाले छोटा सा समझने के लिए, एफ एक्स इक्वलिटी के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू, उसने बोला कि एक्स इक्वल टू पे फंक्शन वाला डिफरेंशियबल है, ठीक है, देन फाइंड इट्स डेरिवेटिव यूजिंग दिस, मीन्स इसके हेल्प से इसका डेरिवेटिव बता मेरे को, ठीक है। अब तुम ध्यान समझना, अब मैं बस सिंपल तरीका से करता हूँ, ठीक है, डिफरेंशिएट करके, जो बेसिक डिफरेंशिएशन सबको पता होता है, मीन्स डेरिवेटिव निकालना है, अगर तुम एफ डैश एक्स निकालो इसको डिफरेंशिएट करो कितना हो जाएगा, टू एक्स माइनस फोर हो गया, बात समझ में आ रहा है, और मेरे को एट x इक्वल टू में डिफरेंशिएट करके x में 2 पुट करना था, तो एक तरह से f डैश 2 निकालना है मेरे को, तो 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, मीन्स f डैश 2 मेरा 0 आ गया, मीन्स इसका डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर जो टर्म दिख रहा है, चीज लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए दिखा, इसके यूज करके मैं इसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मीन्स एक तरह से क्या निकल रहा है, एफ डैश ए निकल रहा है, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे अभी, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चुपचाप से इस लिमिट को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें तो हम लोग सारा चीज़ को रिलेट करेंगे एक साथ, ठीक है, अभी समझते चलो, x कहाँ जा रहा है, x मेरा 2 की तरफ जा रहा है, तो x 2 की तरफ जाएगा, है ना, और सबसे पहले से एफ एक्स क्या दे रखा है, मेरा एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 दे रखा है, और यहाँ पे क्या हो गया, एफ एक्स माइनस एफ टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू हो गया, ठीक है, ये का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब ध्यान से देखना, इससे अगर एफ एक्स मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स है, और अगर एफ टू मेरे को निकालना होगा तो ऑफकोर्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स है, तो एफ टू क्या हो जाएगा, एफ टू मेरा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 विच इज माइनस 4, तो करना क्या चाहिए, यहाँ पे एक्स 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है, अब क्या बोलोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x एफ एक्स में हमने पुट कर दिया, माइनस एफ टू कितना आ गया, माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, ठीक है, तो क्या हो गया, लिमिट x कहाँ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, ठीक है, तो इसको करोगे क्या हो जाएगा, लिमिट x 2 की तरफ जाएगा, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है नीचे, x माइनस 2, तो कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल कितना आ गया, 0 आ गया, मीन्स तो अगर तुम सिंपल तरीके डिफरेंशिएट करें, इस तरीके से नहीं करना है मेरे को, ठीक है, मेरे को चेक करना है कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है या नहीं, हमने क्या किया, लिमिट के हेल्प से इसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करा, ठीक है, जैसे हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं, कॉस एक्स बोलते हैं, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स बोलते हैं, ये सब आता कहाँ से, ये सब कुछ आता है डिफरेंशिएबिलिटी से ही, हम लोग एलएचडी आरएचडी निकालते हैं या फिर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं ऑफ डेरिवेटिव, मीन्स इस लिमिट को सॉल्व करने के बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या जाता था, कॉस एक्स आया करता था, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने इस लिमिट के यूज़ करके अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन जो गिवन क्वेश्चन था इसका डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू की कॉरस्पॉन्डिंग निकाला तो इसका कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। मीन्स इसने बोल दिया था मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है ही है, ठीक है, तो डिफरेंशिएबल अगर है ही है तो एलएचडी आरएचडी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एलएचडी क्योंकि एलएचडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, अभी एलएचडी आरएचडी निकालते कैसे लिखते कैसे उस चीज़ को भी हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। बट फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल था ही, इसीलिए हमने एल एच डी आर एच डी निकालने के बारे में सोचा ही नहीं, चुपचाप x इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग इस लिमिट को सॉल्व किया और एक तरह से क्या हो गया, कंप्लीट जो निकला है एफ डैश 2 मीन्स इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इस फंक्शन का एट x इक्वल टू 2 पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे, ठीक है, तो क्लियर है सबको, छोटा सा एग्जांपल समझाने के लिए, है ना, अब आगे थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो क्या मैंने बोला कि इफ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए देन दिस विल एग्जिस्ट, ठीक है, सपोज ये मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या ये दिस इज नथिंग जस्ट लाइक एफ डैश ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो गया, एक तरह से क्या आ गया, एफ डैश ए आ गया मेरा, ठीक है, मीन्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, आ गया इस चीज़ का, है ना।
तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। जो फंक्शन एफ एक्स मेरा फंक्शन जो गिवन होगा उस फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए मीन्स किस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को उसका डेरिवेटिव निकालना होगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव ये रहा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ एल एच डी और आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। विच इज आर एच डी। ठीक है, मीन्स एल एच डी और आर एच डी आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर एल एच डी इक्वल टू आर एच डी हो जाए तो क्या बोलेंगे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप समझना, जैसे अगर एफ डैस ए को एग्जिस्ट करना है तो क्या बोलना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, मीन्स एक तरह से मैं एल एच डी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, एल एच डी निकाल लेते हैं ढंग से। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एफ डैस ए पहले क्या लिखा हुआ था, लिमिट एक्स ए की तरफ जा रहा है और यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। ठीक है ना, ये क्या हो गया, एफ डैस ए आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को एल एच डी निकालना। ठीक है, मेरे को निकालना क्या, एल एच डी। ऑफकोर्स हम लोग इसे एल एच एल निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट। उसमें एल एच एल में क्या होता था, उस ए के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे मैं बोलता हूँ, सपोज बात करता है यहाँ पे, सपोज क्या है, एक्स इक्वल टू ए दे रखा है, इसके जस्ट पहले एल एच एल होता था, इसके जस्ट बाद आर एच एल होता था। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे को एल एच डी निकालना है, इसे जस्ट पहले पहुँचना है लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ ए प्लस एच से। मैंने एक्स को किससे रिप्लेस किया, ए प्लस एच से। ऑफकोर्स एल एच डी निकालना तो इसमें ए में कुछ घटना चाहिए, तो एच मेरा क्या होना चाहिए, एच मेरा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो एच मेरा कहाँ जाना चाहिए, एच मेरा जीरो माइनस, दैट मीन्स माइनस 0.001, ताकि माइनस 0.0001 लिखोगे तो ए में से कुछ घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो समझो इस चीज़ को, मैं लिमिट मैंने क्या बोला, एच कहाँ जा रहा है मेरा, जीरो माइनस की तरफ। सेम काम हम लोग सारा कुछ लिमिट में ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो कुछ अननोन या कुछ डिफरेंट चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ तुम सबको, है ना। तो ए प्लस एच हो गया माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स की जगह मेरे को क्या पुट करना है, ए प्लस एच। ठीक है, माइनस ए। ठीक है, तो क्या हो गया, जो भी है ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच आ गया। ठीक है, मेरा क्या आ गया, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब समझना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये काम ऐसा मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि अगर मैं ऐसा करा कि ये रहा, ठीक है, दूसरा क्या आया था, क्या आने वाला है। ठीक है, अगर मैं x को रिप्लेस किया a माइनस एच से, तो ऑफकोर्स h को क्या होना पड़ेगा, जीरो प्लस होना पड़ेगा, क्योंकि जब पॉजिटिव रहता तो कुछ घटेगा, अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बट मेरे को एल एच डी निकाला, मीन जस्ट पहले पहुंचना है, तो मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए माइनस एच प्लस ए। ठीक है, तो क्या हो गया, एच इज लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई माइनस एच। ठीक है, तो ये भी दोनों क्या है, दोनों एल एच डी ही, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये यूज़ करो फिर ये यूज़ करो, ठीक है, एक ही बात है, है ना। अगर मैं बात करता हूँ, दिस इज एल एच डी, चलो इसी में जो रेड से जो मैं जो स्क्वायर रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, ये मेरे इसको हम लोग इसी फिलहाल अभी
एलएचडी ले रहा है, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, पता सब कुछ होना चाहिए, बात ये बोलो या फिर ये बोलो एक ही बात सबको समझ में आ रहा है लिमिट में, ठीक है। बट चलो फिलहाल मेरे क्या हो गया, दिस एलएचडी है ना। अगर मैं बात करता हूँ आरएचडी की, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो अब क्या करना है मेरे को, आरएचडी दैट मीन्स इस ए से जस्ट आगे पहुँचना है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं सपोज एक्स को ए प्लस एच से फिर से रिप्लेस कर दिया, तो ऑफकोर्स अगर ए प्लस एच दैट मीन्स कुछ जुड़ना चाहिए ए में, तो जुड़ने के लिए एच को मेरे पॉजिटिव होना पड़ेगा, यहाँ पे एच मेरा क्या था, नेगेटिव था। अब मैं काम कर रहा हूँ इसके लिए, मैंने क्या लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस करा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स के जगह पे ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई ए प्लस एच माइनस ए, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू क्या हो गया, जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच आ गया। दिस इज क्या हो गया, दिस इज माई आर एच डी, दिस इज आर एच डी, क्लियर है, मेरा आर एच डी हो गया। तो फिर से भाई सेम कहानी, ऐसे भी कर सकते हो, ए माइनस एच भी कर सकते हो, तो क्या बोलोगे लिमिट एच टेंस टू, अब देखो ए माइनस एच करे तो ऑफकोर्स मेरे को ए से आगे पहुंचना है, तो एच को फिर से नेगेटिव होना पड़ेगा, ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, है ना। तो यहाँ से मैंने क्या बोला, एच को जीरो माइनस कर दिया, यहाँ पे जीरो माइनस लिखोगे तो फिर एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई ए माइनस एच माइनस ए, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई माइनस एच, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये भी मेरा आर एच डी हो गया। बट कन्फ्यूज, पता तो सब कुछ होना चाहिए, कन्फ्यूज नहीं होना है मेरे को, बस इतना ध्यान रखा दिस इज, हम लोग हमेशा ए प्लस एच ही किया करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे ए प्लस एच एल एच डी के लिए भी और आर एच डी के लिए भी एफ ए प्लस एच किया करेंगे। बस आर एच डी के लिए यहाँ पे जीरो प्लस हो जाएगा और एल एच डी के लिए यहाँ पे जीरो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल है और फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन एल एच डी एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू आर एच डी एट एक्स इक्वल टू ए होना चाहिए। मीन्स बोल सकते हैं लिमिट एच टेंस टू क्या था, जीरो माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच था, दिस यही था ना, बिल्कुल सही है। इक्वल टू क्या होना चाहिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच, ठीक है। मैं जहाँ मेरे को लगे कि यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू कुछ डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उस टाइम पे एल एच डी आर एच डी निकाल लिया करेंगे। अगर एल एच डी सपोज इसका वैल्यू 4 आता है और इसका वैल्यू 5 आता है, तो मेरा फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा।